पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिकअप वैन और स्कूल वाहन टाटा मैजिक में हुई जोरदार टक्कर। इस घटना में 9 स्कूली बच्चे हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए लाया गया जमुआ रेफरल अस्पताल। जांच में जुटी पुलिस। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस में अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान से संबंधित की आवश्यक बैठक। राज्य सरकार भूमिहीनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर है काफी संवेदनशील। प्रखंड के पदाधिकारी रखे इसका विशेष ध्यान। और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गिरिडीह में जगह जगह मनाई गई जन्म जयंती। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित किया गया संगोष्ठी सभा। चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। अब खबरें विस्तार से। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पेठांडी पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिकअप वैन एवं स्कूल वाहन टाटा मैजिक में शनिवार को जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए जमुआ रेफरल अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पेठांडी पेट्रोल पंप के पास मछली लोड पिकअप वैन एवं स्कूल वाहन टाटा मैजिक में शनिवार को जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल वाहन पलट गई। बताया गया कि इंपीरियल ब्लू स्कूल जमुआ टाटा मैजिक स्कूल वाहन कई बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में कोडरमा की ओर से आ रहे मछली लोड वाहन ने स्कूल वाहन में जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 9 बच्चे घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को इलाज के लिए जमुआ रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद 4 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया है। वहीं मौके से मछली लदे वाहन का ड्राइवर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। शनिवार को जमुआ के कोबी में मवेशी मालिक नारायण यादव ने अपने मवेशी को चराने के लिए खेत की ओर ले गया था, जहां खेत के पास नीचे गिरे बिजली के तार की चपेट में आ जाने से तीनों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि मारे गए तीनों मवेशियों की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। भुक्तभोगी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जम्मू के पोबी में शनिवार बिजली के तार के चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी मालिक नारायण यादव ने कहा कि सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत की ओर ले गया था, जहां खेत के पास नीचे गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से तीनों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए तीनों मवेशियों की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। वही सूचना मिलते ही प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, मुखिया प्रतिनिधि लखन दास, बिजली विभाग से सरफराज, पशुपालन विभाग के विनोद घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव एवं मुखिया ने पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से ऐसी घटना कई जगहों पर हो रही है। बिजली विभाग बिजली का काम दुरुस्त करे। शहर के शास्त्री नगर में जनसंख्या के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए गए संकल्प 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। गिरिडीह विधानसभा के बूथ संख्या 35 शास्त्री नगर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की।
इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी सोच पर चलने का संकल्प लिया कि हमें देश की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का रास्ता पर हमें चलना है। श्री साव ने कहा, कश्मीर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसके लिए अलग से विधान बनाने का विरोध हुआ, तो तब मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेगा। इसके बाद मुखर्जी को कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनका बलिदान देश की अखंडता को बचाने के लिए हुआ। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। मौके पर पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, मध्य मंडल महामंत्री विनोद साव, नागेश्वर दास, नकुल तुरी, शोपाल घोष, राजेश जायसवाल, मनोज तुरी, बलदेव गोप, प्रवीण सिन्हा, रंजीत सिन्हा मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारे शास्त्री नगर आवास बूथ संख्या 35 पर मनाई गई और इस अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने संकल्प किया कि हमें देश की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है मोदी जी ने कि 2047 में देश को, भारत को विकसित देशों में शामिल करेंगे, विकसित बनाएंगे, आज सभी कार्यकर्ता इस संकल्प को दोहराया है कि हमें 2047 में भारत को विकसित देश बनाना है। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओथी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियाँ, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर ₹5000 का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहाट, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने शनिवार को समाहरण न्यायालय सभागार कक्ष में नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान को शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति अन्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। समाहरण न्यायालय सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने शनिवार को नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत इंडिकेटर वाइज सैचुरेशन के निमित्त 9 इंडिकेटर्स का चयन करते हुए संबंधित क्षेत्रों में सैचुरेशन हेतु 3 माह का संपूर्णता अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है। नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिलों में गिरिडीह भी एक जिला तथा प्रखंडों में जमुआ प्रखंड चयनित है। इसके तहत जिले एवं जमुआ प्रखंड में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक्शन प्लान तैयार कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी इंडिकेटर में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। क्षेत्र भ्रमण कर सभी पैरामीटर पर कार्य करने की बात कही। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने कहा कि नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत नीति आयोग के सभी मानकों में प्रगति सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान के तहत 3 माह का कार्य योजना तैयार कर रोस्टर के अनुरूप प्रत्येक दिन का गतिविधि का संचालन करें एवं निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आज संपूर्णता अभियान के शुरुआत की गई। ये एक हमारा जिला एस्पिरेशनल जिला में से पूर्ण था। अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक जमुआ भी बचा हुआ है, जिसमें से कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो स्वास्थ्य और पोषण के इंडिकेटर्स हैं, जिनके लिए भी चर्चा की गई कि जिसमें कि ये ANC है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 100% किया जाना है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि हम किस तरह से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गिरिडीह जिला आकांक्षी जिलों में एक है और जमुआ भी है, वो एस्पिरेशनल ब्लॉक है एक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ब्लॉक प्रोग्राम्स का एक अभिन्न अंग है। इसी क्रम में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को या ब्लॉक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज संपूर्णता प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
इसमें अगले 3 महीनों में 6 पैरामीटर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो ब्लॉक लेवल पे आइडेंटिफाइड है उसमें फोकस्ड अप्रोच पे प्रगति लाई जाएगी और 3 महीने में सैचुरेशन प्राप्त करने का लक्ष्य हम जरूर प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज यहाँ इन इंडिकेटर्स जिन भी विभाग से संबंधित हैं उनके वरीय पदाधिकारीगण तथा उनके फील्ड फंक्शनरीज सभी उपस्थित थे, उन्हें भी विस्तृत रूप से सभी इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दी गई तथा मंथली टारगेट्स जो हैं तथा 3 महीने के अंत में जो टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया गया और मार्गदर्शन दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए और फोकस वे में कार्य करेंगे तथा 3 महीने में और तथा मंथली टारगेट्स को हम अचीव करेंगे। उपायुक्त नमन प्रेस लगड़ा ने शनिवार को डीसी ऑफिस में अबुआबीर अबुआ डिसोम अभियान से संबंधित एक बैठक की। बैठक में भूमिहीन को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर बात कही गई और कहा कि वीर बंधुओं का काम सिर्फ वन अधिकार समिति को सहयोग करना है और अंचल और अनुमंडल के साथ समन्वय बनाना है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने शनिवार को डीसी ऑफिस में अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान से संबंधित एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहीनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर काफी संवेदनशील है, लोगों को आवश्यकता अनुरूप वन पट्टा में भूमि मिले इसका प्रखंड के पदाधिकारी विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण कार्य को अब सैचुरेशन मोड में करना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित उन समुदायों और गांवों के दावों के अनुरूप व्यक्तिगत सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया दिलाने का अभियान है। केवल अधिकार ही नहीं वन पट्टा धारकों की आजीविका और खुशहाली के लिए वन क्षेत्र के संसाधनों और अन्य योजनाओं के समन्वय के लिए भी यह अभियान संकल्पित है। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्वी पश्चिमी सभी अनुमंडल पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद गांडे डुमरी सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांव प्रखंड मुख्यालय के सभागार में अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में 20 सूत्री की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक काफी हंगामेदार रहा तथा बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि कोई भी काम सही सुचारू रूप से नहीं की जा रही है, इस पर सभी विभाग अमल करे तथा कई मुद्दों पर तीखे सवाल जवाब किए गए। बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। गांव प्रखंड मुख्यालय के सभागार में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में 20 सूत्री की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक काफी हंगामेदार रहा है। पूर्व में लिए गए प्रस्ताव पर तीखे सवाल जवाब किए गए। बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि कोई भी काम से सही सुचारू रूप से नहीं की जा रही है, इस पर सभी विभाग अमल करे। सभी रोजगार सेवक पंचायत सेवक सभी अपना रिकॉर्ड पंचायत भवन में रखेंगे। एटीएम का बोरिंग फेल है जिसका प्रस्ताव डीसी को भेजा जा चुका है। वहीं पीएचईडी विभाग से चापाकल मरम्मत और विधायक कोटा कराए गए चापाकल की सूची की लिस्ट मांगी गई। विधायक कोटा से जो भी चापाकल घर के अंदर हुआ है वैसे लोगों का जांच कर कार्रवाई की मांग की जाए। पीएचडी विभाग के अंदर प्राइवेट बोरिंग गाड़ी हटाने की मांग की गई। गदर पंचायत के विधायक के विषय में अध्यक्ष से पूरा विवरण मांगा गया। गर्ल्स हाई स्कूल और कस्तूरबा विद्यालय में महिला शिक्षक की पोस्टिंग की मांग की गई। साथ ही गदर पावर ग्रिड चालू करवाने को लेकर चर्चा किया गया। साथ ही फॉरेस्ट विभाग से एनओसी नहीं देने पर सवाल जवाब किया गया व 2 महीने के अंदर एनओसी मिल जाने का आश्वासन फॉरेस्ट विभाग की ओर से दिया गया। बिजली कटौती पर सवाल जवाब किया गया। वहीं थाना भवन प्रमंडल विशेष प्रमंडल इंडियन बैंक पिहरा और मालडा शाखा को उपस्थित नहीं रहने पर स्पष्टीकरण दिया गया है। मौके पर वीडियो महेंद्र रविदास सीओ अविनाश रंजन विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह प्रदीप राम मरगू बालम संजय कुमार बीईओ तीतुलाल मंडल पवन कुमार चौधरी रणधीर चौधरी सोनू कुमार कार्तिक विश्वकर्मा बबलू सिंह समेत कई उपस्थित थे। सरकार आपकी नौकर है, आप तनखा लीजिएगा सरकार।
से और जनता का काम नहीं कीजिए। चापा कल हो जाता आपको पता नहीं चलता, तीन बार से हम लोग रिपेयरिंग करते रहे हैं। सोनू बाबू, आदित्य बाबू, आप कब से कंप्लेन कर रहे हैं? ये चौथा बैठक है ना, वो आपका काम खड़ा हुई खड़ा वो आपके घर के पास वाला काम। डाबर रोड में 1000 आदमी बाजार के दिन खड़ा रहता है, टेम्पू आता है जाता है, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं रागी, और वहां का चापा कल आज तक ठीक नहीं हुआ। डीसी साहब का जो ग्रुप है उसमें पेयजल के द्वारा डाल दिया जाता है, यहाँ यहाँ रिपेयरिंग किया, वहाँ जमीन पर जाते हैं कोई काम नहीं होता। कारियावा प्रखंड अंचल कार्यालय में सूत्री कार्यक्रम सीआर प्रखंड समिति का मासिक बैठक आयोजन किया गया था। सबसे पहले विभागवार विभिन्न मुद्दा लेकर के, जैसे अबुआ आवास है, मनरेगा है, सिंचाई कूप वगैरह है, बिजली संबंधित है, पानी संबंधित है, और पूर्व का बैठक का समीक्षा किया गया। समीक्षा के उपरांत जहां जिस तरह की त्रुटि हुआ उस तरह निर्णय लिया गया, विभिन्न पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, और कुछ पदाधिकारी को जैसे फॉरेस्ट है एनओसी के लिए मंगलवार को, और बिजली बोर्ड को और संवेदक को, तीनों को मंगलवार विशुद्धी कार्यालय बुलाया गया है। वहां निरीक्षण किया जाएगा कि एनओसी किस कारण से फंसा है, और अविलंब एनओसी पारित करवा करके और पावर ग्रिड चालू करवाने का काम करेंगे। इसी तरह का सभी विभाग का समीक्षा करते हुए अंत में आज की बैठक समाप्त किया गया। पुनः अगला महीना फिर बैठक 6 तारीख के अंदर करने का निर्णय भी लिया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपिक, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चे दानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7003864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकीज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकीज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मन चाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती में हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा सूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सिया रामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकीज़ा फैशन चंदूरी रोड के सामने मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को गांडी के दासडी गांव में धूमधाम से कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय श्री राम जय हनुमान सहित विभिन्न धार्मिक नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस कलश यात्रा में 201 कुमारी कन्या एवं महिलाओं ने भाग लिया। राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय यज्ञ को लेकर शनिवार को गांडी के दासडी गांव में धूमधाम से कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर क्षेत्र के दासडी मोहनडी गांडे पुराना बाजार गांडे मुख्य बाजार जोराम आदि गांवों का भ्रमण करते हुए लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दासडी गांव के ठाकुर अहरा पहुंचे, जहां यज्ञ के आचार्य रामकृष्ण पांडे ने विधि विधान के साथ कलश में जल भरा। पुनः कलश यात्रा यज्ञ मंडप पहुंच यज्ञ का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि कलश यात्रा में लगभग 201 कन्या कुमारी और महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य यजमान भवानी सिंह तुलसी सिंह और धनश्याम सिंह अपने धर्मपत्नी के साथ मुख्य कलश को लेकर आगे आगे चल रहे थे। बताया गया कि मुख्य यजमान के साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनेकार, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, समाज सेवी अर्जुन बैठा, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, पूर्व प्रमुख मनीषा पांडे, अरुण पांडे, पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल, उप मुखिया कन्हाई साव, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा भी यज्ञ का ध्वजा लेकर कलश यात्रा में शामिल रहे। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय श्री राम जय हनुमान सहित अन्य विभिन्न धार्मिक नारे लगा रहे थे। श्रद्धालुओं की जय घोष से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय रहा। शोभा यात्रा में कई श्रद्धालु विभिन्न देवी देवता का रूप धारण करके शामिल थे। बताया गया कि गांडे पाठक मार्केट में स्थानीय युवाओं द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शरबत पानी की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि दासडी में राम जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में प्रतिनिधि रामकृष्ण पांडे, शैलेंद्रानंद पांडे, सुखदेव पांडे, सुधांशु पांडे सहित अन्य पुरोहितों के द्वारा यज्ञ मंडप में पूजा अर्चना और पाठ किया जाएगा, जबकि रात को मध्य प्रदेश के कथावाचक राम शरण पाठक के द्वारा प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में संजय तिवारी, सरस सुमन लाल शास्त्री, राजेश सिन्हा, अशोक वर्मा, मुरारी साव, नीरज पाठक, विकास पाठक, एंथोनी स्वामी, रितेश पाठक, रुपेश पाठक, पीयूष पाठक, रोशन पाठक सहित दासडी मोहनडी गांडे सहित विभिन्न गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। शनिवार को नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड जमुआ प्रखंड में 3 माह चलने वाले संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित किए गए 6 इंडिकेटर में प्रगति लाने के लिए विशेष गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 का संपूर्ण अभियान चलेगा। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों कर्मियों को निर्धारित प्लान और रणनीति के अनुरूप 30 सितंबर 2024 तक हर हाल में 100% उपलब्धि प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिए। मौके पर रितेश कुमार, पीपीओ व अन्य ब्लॉक कर्मी उपस्थित थे। आंदोलनकारी नेता रहे स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि की तैयारियों को लेकर शनिवार को झाबुमो प्रखंड कमेटी गांडे की ओर से गांडे पाठक मार्केट स्थित
चुनावी कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक का संचालन कर रहे प्रखंड सचिव भैरव वर्मा ने कहा, धनेश्वर मंडल की 6वीं पुण्यतिथि सफल रूप से मनाने को लेकर यह बैठक किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गांधी के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मौजूद रहेंगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद, मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत जिला व प्रखंड के कई नामचीन चेहरे भी शामिल रहेंगे। बैठक में प्रखंड सचिव समेत जिला सचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, बैजनाथ राणा, अरुण पाठक उर्फ छोटे पाठक, राजेश सिंह, दिलीप मंडल, हलधर राय, जितेंद्र मंडल, भागवत सिंह, जयप्रकाश पंडित, सोनातन चौड़े, सब्बीर अंसारी सहित अन्य कई मौजूद थे। चैनल का धन्यवाद। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कार्यालय में स्वर्गीय धनेश्वर मंडल का 6वीं पुण्यतिथि की तैयारी के लेकर के हम लोग अभी बैठे हुए हैं और इस पर चर्चा हो रही है कि उस दिन 6 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां इकट्ठा होकर के श्रद्धांजलि स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी को देंगे और इसका मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी होंगी। उसके साथ में राज्यसभा सांसद रहेंगे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, सुदीप कुमार सोनू सदर विधायक जी रहेंगे और अभी जिस तरह से न्यूज मिला है कि माननीय मंत्री हफीजुल हसन भी यहां पर उपस्थित रहने की सूचना है और यही तैयारी को लेकर के हम लोग अभी बैठक कर रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। शहनाई बड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी
हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी ग्रीडी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश अनुसार एक प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों कर्मियों को निर्वाचन प्रणाली के महत्व और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डीसी ऑफिस सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ईएलसी के नोडल पदाधिकारी, यंग वोटर्स, फ्यूचर वोटर्स, कैंपस एम्बेसडर तथा वीएएफ के नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्वाचन प्रणाली के महत्व और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन मार्गदर्शिका व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो ने सभी के साथ बैठक की, निर्वाचन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर अवेयरनेस फॉर्म, सी विजल ऐप, फेक न्यूज आदि के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 अर्हता युक्त व्यक्ति फॉर्म 6 भर सकते हैं। मौके पर हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर कुमार पाठक, अमित कुमार पाठक, मनमोहन रवानी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांव प्रखंड के अंतर्गत बादीडी में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व महायज्ञ 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक किया जाएगा, जिसमें शनिवार को हजारों से अधिक लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया, जिसमें महिलाएं एवं नौजवान युवतियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। यह जल वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मालदा नदी से जल उठाकर पटना बगदेडी भेलवा होते हुए बादीडी नव दुर्गा देवी मंडा मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले यहां मंदिर परिसर में मंदिर का रास्ता नहीं दिया जा रहा था। सभी भक्तगण मां दुर्गा के प्रति दिल खोलकर पूजा अर्चना एवं प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का शुभारंभ किए। साथ ही यहां पर सूर्य पुत्र शनिदेव भगवान का भी मूर्ति की भी स्थापना किया जाएगा, जो कि मूर्ति को मंगवा लिया गया है। मूर्ति की स्थापना का शुभारंभ मंगल तिथि के साथ विधि सम्मत पूजा अर्चना कर स्थापित की जाएगी। आजाद हिंद सेना संगठन की ओर से शनिवार को नया परिषदन भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के तौर पर अधिवक्ता सह आजाद हिंद सेना के संरक्षक अजय सिन्हा मंटू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि शिवम श्रीवास्तव की अगुवाई में आजाद हिंद सेना नामक संगठन का गठन किया गया है और इसके संस्थापक व अध्यक्ष शिवम श्रीवास्तव है। प्रेस वार्ता के माध्यम से शिवम श्रीवास्तव ने कहा कि 4 माह पूर्व युवा साथी ने मिलकर निर्णय लिया था कि जिले में युवाओं के लिए आगे कुछ करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और आजाद हिंद सेना के नाम से एक संगठन बनाया। इन्होंने कहा कि 4 माह पूर्व ही इस संगठन के रजिस्ट्रेशन को लेकर अप्लाई किया गया था, जो 2-3 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जो खुशी की बात है। कहा कि यह संगठन दबे कुचले युवाओं को उभर कर सामने लाने का काम करेगी, साथ ही युवाओं के लिए सदैव संगठन तत्पर रहेगी। संगठन युवा के लिए कई बड़े कार्य भी करेंगे और जहाँ तक होगा युवाओं का समर्थन किया जाएगा। वहीं अजय सिन्हा मंटो ने कहा कि युवाओं के लिए यह संगठन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा और एक अलग पहचान बनाएगी। बताया गया कि 27 जुलाई को रक्तदान शिविर का वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर विकास यादव, ब्रिजेश चौधरी, चंदन वर्मा, रोशन कुमार, यूनुस खान, संतोष यादव, विकास यादव, शशि सिन्हा, बबलू साव, विक्की साव सहित कई युवा सदस्य मौजूद थे। किया गया इन लोग का एक स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है, जिसका इन लोग के युवाओं के द्वारा, जिसमें शिवम श्रीवास्तव और भी सारे लोग हैं, सब मिलकर गठन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का
कि जागरूकता फैलाना, जो गिरिडीह पूरे जिले भर में घूम घूम करके ये जो जो भी यहाँ की जनता को जागरूक करेंगे हर तरह से। दूसरा चीज़ है यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभी जैसे बात हुआ हमारे 1000 पेड़ लगाने का इन लोगों ने भी तय किया है। रक्तदान शिविर लगाएंगे और आगामी 27 जुलाई को ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा इसके द्वारा। कहने का मतलब है जो आज़ादी सेना है जो बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य के लिए एक गिरिडीह का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था रहेगा और इसमें लगभग हजारों युवा इसमें इस संगठन से जुड़ गए हैं। इतना ही चार महीना में हजारों युवाओं का इसमें जुटान हो गया है और सब मिल करके चाहते हैं कि संगठन को आगे बढ़ावें और पूरा गिरिडीह शहर भर नहीं पूरा जिले भर में घूम घूम कर इन लोग काम करेंगे। आज से 4 महीना पूर्व हम गिरिडीह के जितने भी युवा साथी हैं सब लोग मिल करके निर्णय लिए कि हम लोग को भी कुछ आगे करना है युवाओं के नौकरी के लिए, युवाओं का सपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने तय किया कि एक संगठन बनाया जाए जिससे हम लोग दबे कुचले गरीब लोग जो हैं उनको मदद करने का काम कर सके। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज़ाद हिंद सेना के नाम से एक संगठन बनाएंगे जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 4 महीने पहले अप्लाई किया था, जो 2-3 दिन पूर्व में हो चुका है रजिस्ट्रेशन। हम लोग का मुख्य रूप से काम यही रहेगा जागरूकता अभियान चलाना और 27 जुलाई को हमारे गार्जियन स्वरूप कर चुकी है और अब इससे बढ़ चढ़ के हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्य करेंगे। जो भी लोग को तकलीफ है, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही नहीं है, हॉस्पिटल में सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आंदोलन करेंगे कि वहाँ जो गरीब लोग आते हैं वहाँ पर क्या है कि जो भी हॉस्पिटल खुला हुआ 2-4 हॉस्पिटल झोला छाप हॉस्पिटल वहाँ पर हॉस्पिटल के मिली भगत से गिरिडीह जिला के गरीब लोग को दिग्भ्रमित करके कि यहाँ आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप चलिए दूसरा जगह ऑपरेशन कराएंगे। गरीब लोगों को 25-30 हज़ार रुपया डॉक्टर मांग लेते हैं, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। उन भ्रष्ट अफसर को और उस तरह के हॉस्पिटल के संचालक को मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए, वरना जिस दिन आज़ाद हिंद सेना के किसी भी सदस्य ने आपको गलती करते हुए पकड़ लिया तो आपको हम लोग पकड़ के प्रशासन के हवाले करेंगे और कानून से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय आजाद हिंद सेना। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए